महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा रामधुन को गाया गया। वहीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि आज वह काला दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे इस देश में पैदा हुआ। बीजेपी का ये दोहरा रूप है कि एक तरफ महात्मा गांधी जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है। सभी धर्मों को साथ लेकर ही ये देश चलेगा। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम लोग सभी कांग्रेस जन उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज वो दिन है, वो काला दिन है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे वाद इस देश के अंदर पैदा हुआ। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आज हम देख रहे हैं देश के अंदर और खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर नाथूराम गोडसे के मंदिर और ज्ञानशाला बनाने की ग्वालियर के अंदर एक पहल हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये दोहरे रूप हैं कि एक तरफ तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं और दूसरी तरफ गोडसे वाद को चलाते हैं। सबके बापू और आजादी के प्रणेता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। हम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मैं कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के ही दिन उनका निधन हुआ था। ऐसे बापू जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना खून तक बहा दिया और हमारे देश को आज़ाद करा गए, मैं फिर बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। गांधी जी की पुण्यतिथि आज ही के दिन शहीद दिवस, आज उनको गोली मारी गई थी और लगातार इस देश के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे अपने देश में बापू के हत्यारों को प्रोत्साहित करना, उनकी विचारधारा को बढ़ाना और फिर उनके नाम पे पूजा करना, ये एक बहुत निंदनीय कृत्य है। हम स्कूलों में देखते थे कि आज के दिन, हम जब छोटे थे तो एक सायरन बजता था तो सारे बच्चों को समझ में आता था कि आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शहीद किया, सब उसमें उनके सम्मान में खड़े होते थे, श्रद्धांजलि देते थे। धीरे धीरे ये परंपराएँ समाप्त होती जा रही और गोडसे की विचारधारा आगे बढ़ती जा रही और इससे दोनों नुकसान है। एक तो जहाँ बापू की मौत पे करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं बाबा साहब के दिए हुए संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये देश गांधी और बाबा अंबेडकर के संविधान से चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हर शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। कुछ ऐसी ही सभा भोपाल में देखने को मिली जिसमें बीजेपी को कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।